हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी स्नैक रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इस बारिश के सीजन में अगर आप ये ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आलू उबाल लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे करीबन 12 से 15 कुछ आलू लिए हैं जो मीडियम और स्मॉल साइज़ के हैं और अभी इसे हम मैश कर लेंगे। तो अभी इसे हमें और स्मूथ करना है तो इसके लिए एक स्ट्रेनर की मदद से मैं इसे ऐसे स्मूथ कर रही हूँ सो दैट हमें एकदम लम्प फ्री और स्मूथ मिक्सचर मिले। कुछ इस तरीके का कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। देखिए बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। चलिए अभी इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून राइस फ्लावर डालना है, 2 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च डालेंगे। राइस फ्लावर और कॉर्नस्टार्च से ये क्रिस्पी बनेगा। नमक स्वादानुसार, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स या फिर आप ओरिगैनो भी डाल सकते हैं अगर मिक्स्ड हर्ब्स नहीं है तो। ये सब डाल के भी अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। तो इसे हमें आटे जैसा गूंद लेना है, जो भी हमने अभी कॉर्नस्टार्च और राइस फ्लावर डाला है उसका अच्छे से एक मिक्स करके आटा जैसा बना लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से। अभी लास्ट में इसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है। मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, आप रेगुलर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल लगा के थोड़ा सा इसे और गूंदना है। और अभी ये तैयार है। तो चलिए अभी इसे शेप करके फ्राई करना है। तो इसको शेप करने के लिए आप कोई भी शेप में बना सकते हैं। आप राउंड शेप में कर सकते हैं, स्क्वायर शेप कर सकते, जो भी अगर और कोई शेप आपको पसंद है। मैं इसमें कुछ और ट्राई कर रही हूँ। पूरा मैंने ले लिया है एक साथ मिक्सचर और उसे हम एक मीडियम थिकनेस की जितना बेल लेंगे। और अभी इसे स्क्वायर में कट कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, अगर वो ज़्यादा चिपक रहा है तो आप नाइफ़ को थोड़ा पानी या तेल लगा के फिर उसको स्मूथली कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको क्यूब्स में कट कर लिया है। अभी आप इस तरीके से भी फ्राई कर सकते हैं या फिर ऐसे कुछ उस पर थोड़ा सा शेप कर सकते हैं। तो इसमें भी फोक को मैंने पहले पानी में डिप किया है और उसके बाद ऐसे उस पर थोड़ा सा एक टेक्स्चर बनाया है जिससे वो काफ़ी अच्छा दिखेगा फ्राई होने के बाद। ये सब हो गया है, अभी इसे फ्राई करेंगे। तेल थोड़ा अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें हमें ये फ्राई कर लेने हैं। अच्छी तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। आलू हमारा ऑलरेडी पका हुआ है तो इसे सिर्फ हमें क्रिस्पी करना है। तो जो लाइट गोल्डन ब्राउन या येलोइश कलर आएगा उसके बाद आप इसे निकाल सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से ये रेडी है, अभी इसे निकाल लेंगे। तो अब इसे गर्मा गर्म सर्व करें और बारिश के सीज़न में इसे एंजॉय करने का अलग ही मज़ा है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।